हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज परसेंटेज। आज की क्लास में हम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस तरह से परसेंटेज को डेसिमल में चेंज किया जाता है। ठीक है, परसेंट को हम किस तरह से डेसिमल में चेंज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस द परसेंट एज ए डेसिमल, मतलब हमें परसेंट को डेसिमल में चेंज करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 24%। क्या है 24%? तो परसेंट को हमें क्या करना है, डेसिमल में चेंज करना है। तो परसेंट को डेसिमल में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 24% का क्या करेंगे, हम नीचे 100 लगा लेंगे। ओके, तो हम इसे परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करें, वो डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, अब नीचे हमारा क्या है, 100 है। तो अगर नीचे 100 है तो हम ऊपर क्या करेंगे, 1 2 2 डिजिट है ना, मतलब 20 है, तो हम ऊपर क्या करेंगे, 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, 0.24 क्या हो जाएगा, 0.24। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट करते हैं, 9.23। ठीक है, इसमें डेसिमल है, परसेंट निकालना है, परसेंट की जगह क्या हो जाएगा हमारा, नीचे 100 हो जाएगा। अब यहाँ डेसिमल है तो हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को हटा के नीचे कितनी डिजिट से पहले है डेसिमल, 2 डिजिट से पहले, तो हम 2 0 लगा लेंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे हम, अब हमारे पास कितनी जीरो है, 1 2 3 4, कितनी जीरो है, 4 0 है, तो हम क्या करेंगे, 4 डिजिट से पहले क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे। अब ये तो 3 डिजिट ही है, तो हम क्या करेंगे, एक और जीरो लगाएंगे और उससे पहले डेसिमल, फिर जीरो, तो हमारा इसका क्या आएगा, 0.0923। क्योंकि कितनी डिजिट थी, कितनी जीरो थी हमारे पास, 1 2 3 4 4 0 थी, तो हमने क्या करा, 0.0923 4 डिजिट से पहले जीरो डेसिमल लगाया। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया कि अगर हमारे पास 24 है और उसे हमें डेसिमल में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, अपॉन परसेंटेज की जगह अपॉन में 100 लिखेंगे, 20 है तो हम क्या करेंगे, 24 लिख के 2 डिजिट से पहले हम डेसिमल लगा देंगे। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में हमारा है 9.23, तो पहले हम इस डेसिमल को जीरो में चेंज कर लेंगे, तो 2 डिजिट से पहले है तो 20 आ गई। अब कितनी जीरो हो गई हमारे पास, 1 2 3 4 4 0 हो गई, तो हम क्या करेंगे, 9 2 3 को लिख के 4 डिजिट से पहले जीरो लगाएंगे। अब ये तो 3 डिजिट है, तो हमने क्या करा, एक और जीरो लगा के डेसिमल, फिर जीरो। ओके, तो हमारा क्या हो गया, 4 डिजिट से पहले डेसिमल आ गया। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब थर्ड है हमारा 173%, इसका भी हमें क्या करना है, डेसिमल में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, 173% की जगह क्या आ जाएगा, 100। अब क्या करेंगे, 100 है तो मतलब 20 है, ठीक है, तो 173 20 है तो 2 डिजिट से पहले क्या होगा, डेसिमल आ जाएगा, तो इसका हमारा क्या आया, 1.73, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहां तक आप समझ गए हैं कि अगर हमें परसेंट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 173 डिजिट लिखेंगे और डिजिट के नीचे परसेंट का हम 100 लिख देंगे। 100 लिखने के बाद हमारी जितनी जीरो होती है उतनी डिजिट से पहले हम डेसिमल लगा देंगे, सिंपल, तो हमारा क्या हो जाएगा, डेसिमल में आंसर निकल जाएगा। ओके बच्चों, आज का आपका जो ये टॉपिक है परसेंट में डेसिमल को चेंज करना, वो आपका यहीं खत्म होता है। थैंक यू।